आपसे कहा था भाई कि यहाँ पर रोड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और भाई देखो सही में यार यहाँ पर रोड बन रही, कितने सारे लोग आए, वर्कर्स आए, काम लग गया है। देखो यार सारे वर्कर्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगना है, लेकिन यार रोड पूरी अच्छी से बन जाएगी, पूरी यहाँ से देखो वहाँ से यार लेकर पूरा यहाँ तक बनेगा, और बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी ये रोड तैयार हो जाएगी। तो फाइनली वर्क तो स्टार्ट हो गया यहाँ पर आज से, अब ये 2 से 3 दिन के अंदर पूरी रोड तैयार हो जाएगी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस अच्छे होंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था भाई, कल मैंने कबूतर के लिए वहाँ पर ऊपर यार कुछ दाने डाल दिए थे चावल के, और अभी देखो वहाँ पर कबूतर बैठा हुआ है एक, वो देखो वहाँ पर वाइट ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा। तो यार इन्होंने कल रात में यार कहाँ पर सोए थे मैं अभी आपको बता दूँ, कल रात ये कहाँ पर रुके थे। तो कल रात को इधर जो खिड़की है नीचे, यहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, और आज भाई ऊपर जाके अभी ये लोग खा रहे हैं आराम से। तो अभी वहाँ पर देखो कितनी बड़ी चील निकली है, ब्लैक काइट भाई कितनी बड़ी है, यहाँ पर ये उड़ रही है। ज़रूर कुछ इसने देखा होगा, इस वजह से यार यहाँ पर आई हो ना, बहुत दिन बाद ये यहाँ पर दिखाई दी है। तो गाइस मैंने यहाँ जानते हो बहुत सारे वीडियो देखे यार किंग को कैसे पकड़ा जाए, तो उसमें तो मतलब ये दिखा रहे ना जैसे जो ज़मीन होती है ना कच्ची, वहाँ पर यार आप कुछ 2 स्टिक लगा के पकड़ सकते हो फंदा बना के, लेकिन भाई यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी मैंने बहुत सारे ट्रिक्स देखे, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता यार इसे पकड़ पाएंगे हम, क्योंकि भाई ये लोग बहुत चालक नीचे आते नहीं यार, ऊपर ही बैठे रहते हैं, तो इन्हें पकड़ने कोई चांस नहीं है। बस खाली ये लोग ऊपर बैठे रहते हैं, कल पूरा दिन यहाँ पर नीचे रहे और रात देखो सुबह से ऊपर बैठ गए। व्हाइट वाली मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे बैठी है, अभी दिखा रहा हूँ, वो यहाँ पर देखो भाई ब्लैक वाला बैठा, इसके जस्ट पीछे बैठी है वाइट वाली, जो कि यार वो देखो वहाँ पर बैठी है। तो ये रात में यहीं थे, और भाई अब देखो उड़ के वहाँ पर सामने जाके बैठ गए दोनों। तो यार इन्हें बहुत पकड़ना मुझे, खाली बस हम लोग दूर से देख सकते हैं यार, इसको थोड़ा क्लोज से देखेंगे, लेकिन अभी ये भाग जाते हैं मुझे देखते ही। तो यार अभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी सुबह, और अब देखो यहाँ पर धूप निकलने लगी है, धूप खुलने लगी है, तो भाई बहुत ज़्यादा हुमस हो रही, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ रही, गर्मी भी हो रही है इस वजह से। लेकिन जो हमारे पैरट्स हैं, हमारे मिट्टू मियाँ, हमारे चंपा कली, वो लोग भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कल जो बारिश वगैरह होती रहती ना, इससे इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है यार बारिश में मौसम, क्योंकि यार ये लोग मतलब अलेक्जेंड्रियन पैरट्स हैं, तो इनको गर्मी का मौसम भी बिल्कुल नहीं पसंद होता, इनको थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्मी सही रहेगा। और हमारी मिट्टू मियाँ चंपा कली यार मुझे लग रहा है ये लोग की ब्रीड भी इस साल आ जाएगी, 2 साल से यार ये लोग अंडे वगैरह दे रहे थे, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं बन रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। तो इस वजह से आज अब की वजह हम लगाएंगे इनका, मैं सोच रहा हूँ यार ये चला अगस्त, तो मैं सोच रहा हूँ अब की सेप्टेम्बर में लगा के अब इनका अक्टूबर में मैं लगाऊँ ब्रीडिंग बॉक्स। तो भाई अक्टूबर में इनका ब्रीडिंग बॉक्स लगा देंगे, और हो सकता है शायद ये इस बार ब्रीड हो जाए और भाई बच्चे निकल आएँ। 2 बार से अंडे तो दिए लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे थे, तो मैं अक्टूबर में लगाऊंगा। इनका बॉक्स मैंने पूरा साफ करके क्लियर करके रख दिया है, तो भाई अक्टूबर ही में निकालेंगे इनका बॉक्स, लगाएंगे तभी आपको मतलब दिखाएंगे कि यार अब की ब्रीड आ जाए यार एक बार हमारे मिट्टू मियाँ चंपा कली की। मिट्टू मियाँ चंपा कली बैठे हुए हैं, तो अभी चलते हैं इनको साफ़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा भी खींच कर रखा है। बाकी आज मैं सोच रहा हूँ यार अपने मिट्टू मियाँ को साफ़ करता हूँ, और उसके बाद भाई ये लोग इसने यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको खाना पानी मैंने सब कल ही दे दिया था यार, अभी देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनको भी मैंने कल मतलब देखो बैठे हुए हैं आराम से यार यहाँ पर। पहले चलते हैं अपने मिट्टू मियाँ चंपा कली को साफ़ करते हैं, बहुत गंदा हो गया, डेली इनको साफ़ करना पड़ेगा कि बरसात मौसम चल रहा है इस वजह से। चलो फिर चलते हैं ऊपर, तो मैं छत पे ले आया हूँ भाई इनको, आप पहले इनको जल्दी से साफ़ करते हैं, उसके बाद भाई चलते हैं मार्केट। और मैं सोच रहा हूँ ना आज अपने मिट्टू मियाँ के लिए मैं थोड़े से फ्रूट्स ले आऊँ, अमरूद वगैरह ले आऊँ, क्योंकि यार इनको बहुत दिन से दिया भी नहीं है, तो इनको पहले मैं साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद मार्केट चलता हूँ, इनके लिए अमरूद लेके आता हूँ। तो अभी मैंने अपनी मिट्टू मियाँ चंपा कली को पूरा साफ़ कर दिया है। तो यार मैं इनको देखो साफ़ ही कर रहा था, जब मैं इनको साफ़ करने लेके आया था तभी यार यहाँ पर देखो वाइट कबूतर जो है यार यहाँ पर ऊपर बैठे थे, और ये यहाँ से उड़ गए, मुझे इन्होंने देख लिया था यार कि मतलब थोड़ा सा मैं साफ़ करना था, इससे डर गए ये लोग, और भाई वो देखो वहाँ उड़ते चले जा रहे हैं, अभी इधर नहीं आ रहे हैं, मुझसे देख के डर गए। तो यार अब मैंने मिट्टू मियाँ साफ़ कर दिया, अब चलते हैं मार्केट और अपने मिट्टू मियाँ के लिए लेके आते हैं यार अमरूद, जो कि यार बहुत शौक से खाएंगे, चलो चलते हैं और लेके आते हैं। तो मैं अपने मिट्टू मियाँ के लिए अमरूद भाई ले आया हूँ, अब चलते हैं अपने मिट्टू मियाँ, देखते हैं कितने शौक से ये खाते हैं। तो मैं यहाँ पर यार एक यहाँ पर पीस निकाल लेता हूँ छोटा सा, जो कि इसको कट करके देंगे अपने मिट्टू मियाँ चंपा कली को, तो इसे निकाल के अलग रखते हैं, बाकी यार इसको अलग रख देते हैं, बाद में खाते हैं, तो पहले इसको कट करते हैं और अपने मिट्टू मियाँ चंपा कली को देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिए अमरूद के, 2 स्लाइसेस ले लिए, और ये अपने मिट्टू मियाँ चंपा कली को दूंगा, दोनों को अभी सामने बैठे मिट्टू मियाँ खाना खा रहा है, लेकिन जब ये देख लेगा बहुत शौक से खाएगा, चलो फिर इसको देते हैं। तो यहाँ से मैं पहले केज ओपन कर लेता हूँ भाई, और मिट्टू मियाँ नीचे ही आ गया, पहले इसको मैं दे देता हूँ, कि ये देखो ये ले गया, बाकी अब चंपा कली को देता हूँ। तो भाई दोनों देखो कितने शौक से यार यहाँ पर बैठ के ऊपर खाने लगे हैं, अभी ना 2 मिनट में पूरा ख़त्म कर देंगे, और यार बहुत ही देखो उसका गिर गया है, फिर से इसको देना पड़ेगा यार। तो देखो अब मैंने अपने मिट्टू मियाँ दे दिया, कितने मज़े से यार ये लोग खाते हैं, केज में ऑफ कर देता हूँ, अब यहाँ से देखते हैं यार इनको।
देते हैं, इनको खाने देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय बाय।